प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन हमारे देश की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। यह मिशन हर नागरिक को जागरूक करता है कि हम अपने आसपास सफाई के लिए जिम्मेदार बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हर देशवासी, सफाई मित्र, धर्मगुरु, खिलाड़ी, सेलिब्रिटी, एनजीओ और मीडिया की सराहना करता हूं, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को एक बड़ा जन आंदोलन बना दिया। आप सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं सभी का, प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।